कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच देश और दुनिया के लोगों को एक कारगर और सुरक्षित वैक्सीन का इंतजार है। रूस और चीन ने तीसरे चरण के ट्रायल पूरा होने से पहले ही वैक्सीन को मंजूरी देकर उच्च जोखिम वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू कर दिया है। रूस में तो दूसरी वैक्सीन का भी उत्पादन शुरू हो रहा है। वहीं भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी समेत अन्य देश भी कामयाबी के करीब है। भारत में तीन वैक्सीन कैंडिडेट अंतिम चरणों के ट्रायल से गुजर रही है। अमेरिका से अच्छी खबर यह है कि फाइजर ने इसी साल वैक्सीन उपलब्ध कराने की उम्मीद जताई है। वहीं ब्रिटेन से अच्छी खबर है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ने ट्रायल के दौरान युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों में बेहतर इम्यून रिस्पांस दिखाया है। आइए जानते हैं कोरोना वैक्सीन पर क्या है ताजा अपडेट। देश में भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन, जाइडस कैडिला की जाइकोविडी और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड अंतिम चरणों के परीक्षण से गुजर रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ ही महीनों में देश में सुरक्षित वैक्सीन उपलब्ध हो सकेगी। बिहार में अभी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इसको लेकर पिछले दिनों भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में मुफ्त वैक्सीन की घोषणा कर सरगर्मी बढ़ा दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा था कि बिहार के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। हालांकि अन्य राज्य के लोगों को वैक्सीन मुफ्त में नहीं मिलेगी, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। लेकिन सवाल उठाए जाने लगे तो क्या देश में सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल की अगुवाई में गठित समिति वैक्सीन डेवलपमेंट से लेकर इसके वितरण की योजनाओं पर नजर रख रही है। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने में संसाधन आड़े नहीं आएंगे। यानी उन्होंने इस ओर इशारा जरूर किया है कि पैनल भी वैक्सीन के मुफ्त में उपलब्धता पर विचार कर रहा है। पॉल ने कहा, अगले कुछ हफ्तों में स्थिति थोड़ी और स्पष्ट हो जाएगी जब हमारे पास सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ट्रायल का डेटा आ जाएगा। सीरम ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल कर रही है। उन्होंने कहा कि सीरम के कोविशील्ड और अन्य कैंडिडेट्स की सफलता ही उपलब्धता और जरूरी खुराक का निर्धारण करेगी और फिर हम इसकी फाइनेंसिंग पर चर्चा कर सकते हैं। अगले तीन हफ्तों में चीजें और साफ हो जाएगी। बता दें कि चार दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने कहा था कि देश के सभी नागरिकों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। बालासोर में 3 नवंबर को होने जा रहे उपचुनाव के लिए एक सभा को संबोधित करने के बाद सारंगी ने मीडिया से कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है, सभी लोगों को कोविड-19 का टीका निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के टीकाकरण पर करीब ₹500 खर्च होंगे। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।